चलें दोबारा पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान जी। कल हमने मोमेंट एंगुलर मोमेंटम कल हमने पढ़ा था, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ा था। जिस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, बिल्कुल इस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब जो काम लीनियर मोशन में मास परफॉर्म करता है, वही काम एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया परफॉर्म करता है। तो आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देख रहे हैं, वो होता क्या। हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला था आर इंटू एफ। एफ को हम लिख सकते हैं एम ए न्यूटन सेकेंड लॉ, और ए किसके बराबर होता है, अगर इसको ए को कन्वर्ट करना चाहें रोटेशन में एंगुलर मोशन में, तो ये फॉर्मूले हमने पढ़े थे। ए बराबर होगा आर अल्फा, तो ए की जगह आ गया आर अल्फा, आर आर से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया आर स्क्वायर, एम अपनी जगह पे रहा, अल्फा अपनी जगह पे रहा। इस एम आर स्क्वायर को हमने एक नया नाम दे दिया आई, और अल्फा अपनी जगह पे, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर इस इक्वेशन को मैं एफ इजिकल टू एम ए से कंपेयर करूं, तो एफ की जगह टॉर्क आ गया, ए की जगह अल्फा आ गया, एम की जगह आई आ गया। फोर्स प्रोड्यूस करता है लीनियर एक्सेलरेशन, तो टॉर्क प्रोड्यूस करता है एंगुलर एक्सेलरेशन, सही है। फोर्स और एक्सेलरेशन के अलावा यहाँ तीसरी क्वांटिटी मास है, यहाँ तीसरी क्वांटिटी क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो किरदार, जो रोल लीनियर मोशन में मास का है, वो रोल एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम को देखें, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर है, वी की जगह अगर आर ओमेगा पुट करें, तो अगेन आर मल्टीप्लाई बाय आर आर स्क्वायर, एम अपनी जगह पे, ओमेगा भी अपनी, इसको हमने आई कह दिया। इसको अब लीनियर मोमेंटम से कंपेयर करें, तो लीनियर मोमेंटम में लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम में अगेन मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फिर डेफिनेशन यही आ गई, द प्रोडक्ट एम आर स्क्वायर इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोटेड बाय आई, यानी आई इसका क्या हो गया सिंबल। एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एम इसमें क्या है ऑब्जेक्ट का मास है जो रोटेट कर रहा है, एंड आर इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और आर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला है। अभी हम देख लेते हैं, अगर टॉर्क हम जीरो कर दें, टॉर्क हम जीरो कर दें, तो एल हमारा क्या हो जाता था कांस्टेंट, ये एल है, हम कह रहे हैं एल कांस्टेंट है, एल किसके बराबर है आई ओमेगा के, इसका मतलब है आई ओमेगा क्या है कांस्टेंट। अगर आई ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा को मैं यही रहने दूं, तो आई क्या हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन, ओमेगा क्या हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन आई, और आई की जगह एम आर स्क्वायर। तो देखिए यहीं से नजर आ रहा है ओमेगा आई के या ओमेगा एम आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यही इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है ना। कांस्टेंट का क्या मतलब है, अगर ये कांस्टेंट कोई नंबर है, फर्ज करें 50, सही है, तो ये तो चेंज नहीं होगा। अगर आप आई को 1 करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा 50/1, 50। अगर आप आई को 2 करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा 50/2, 25। अगर आप आई को 10 करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा 50/10, 5। जैसे जैसे आप आई बढ़ा रहे हैं ओमेगा कम हो रहा, जब ही तो प्रोडक्ट सेम रहेगा ना, 50 आई को 1 रखा तो 50/150 आएगा ना, ओमेगा 1 आ जाएगा। आई को 2 रखोगे तो 50/2 क्या हो जाएगा 25, तो 25/2 फिर जब ही 50 आएगा, समझे आई ना, यही इन्वर्स रिलेशन है। आई जब नीचे है तो इन्वर्स है, इन्वर्स का मतलब है ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये, वरना ये फॉर्म, ये 50 जहन में रख के समझ लो। अच्छा, तो ये मैंने लिखा है व्हेन आर इंक्रीजेस, ये उतार लिए सबने, यस सर। अच्छा चलें, ये उतार लिए तो अच्छी बात है। आर जब बढ़ेगा, तो आर जब बढ़ेगा, आर जब बढ़ेगा तो इसका मतलब आई बढ़ेगा, आई बढ़ गया, आई जब बढ़ेगा तो ओमेगा क्या होगा कम होगा, ओमेगा जब कम होगा इसका मतलब बॉडी स्लो घूमेगी, बॉडी थोड़ा सा स्लो घूमेगी। अगर इसका उलट कर दें, आर आप कम कर दें तो आई भी कम हो गया, जब आई कम होगा ओमेगा बढ़ेगा, जब ओमेगा बढ़ेगा इसका मतलब है बॉडी की रोटेशन बढ़ गई,
ठीक है, फर्ज करें कोई बंदा है, स्मार्ट आदमी, दांत भी निकाले में, क्या किया हुआ है, दांत भी निकाले में, लेकिन क्या है, हाथ उसने अपने फैलाए हुए। चलो यार हाथ को बस यहीं तक रहने दो, ये हाथ है उसके, हाँ दरमियान में बना लूँ तो बेहतर है। हंस रहा है भाई, क्यों हंस रहा है, क्यों हंस रहा है भाई, पागल हो गया है? नहीं पागल तो नहीं है, जमीन पे बोझ है, 100 किलोग्राम में फंस गया, जमीन भी पनाह मांगती है। 200 किलोग्राम ले लो यार, अगर 100 किलोग्राम बोझ नहीं लग रहा, 200 किलोग्राम हाथ खोल के घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, हाथ खोल के क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जब हाथ खोल के रोटेट कर रहा है तो समझे यहाँ इसका कहीं एक्सेस ऑफ रोटेशन होगा, अब दरमियान में एक्सेस ऑफ रोटेशन, और ये इसका समझे आर हो गया मैक्सिमम, समझने के लिए। तो आर क्या है, ज्यादा है, आर क्या है, अगर इसी आदमी को, इस आदमी को चाहे फिजिक्स का पता हो ना पता हो, लेकिन अगर ये अपने बाजू करीब ले आए, अब मैं थोड़ी सी छोटी बना रहा हूँ डायग्राम, जगह मेरे पास नहीं है, ये अगर अपने हाथ बांध ले तो ये आर डिक्रीज हो गया, ये आर इंक्रीज हो गया, एक्सेस ऑफ रोटेशन से फासला क्या हो गया, कम हो गया। इस केस में इसकी रोटेशन बढ़ जाएगी, ये तेजी से घूमेगा, इस केस में ये क्या करेगा, स्लोली घूमेगा। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाऊं इस पे, वैसे हो सकता है मैं भेज दूं, जो लोग लेक्चर सुनते हैं यूट्यूब पे वो सुन लीजिएगा, वरना मैं क्लास में भी कोशिश करूंगा दिखा दूं। ठीक है, यही तो वजह, यही तो समझा रहा हूं मैं, आर जब बढ़ेगा, जब आर बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, जब आई बढ़ेगा और आई ओमेगा को कांस्टेंट होना है तो वो तभी मुमकिन है जब ओमेगा कम हो, भाई इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आना है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना है, आप कह रहे हैं ये बढ़ गया तो इसको क्या करना है, फिर कम होना सही है, कोई और सूरत तो नहीं है ना, और अगर आई कम होगा तो फिर आई ओमेगा बढ़ेगा। जब आप हाथ फैला रहे हैं तो समझे आई आपका क्या है, ज्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, जब आपने हाथ मिला लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, कम हो गया। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, ओमेगा को कम करना हो पड़ेगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, कांस्टेंट। मैंने मिसाल आपको दे दी ना, फर्ज करें आई ओमेगा जो है वो 50 है और आई 1 है, ये क्या खुसर पुसर हो रही है, ओमेगा 50 है और आई 1 है, अब आपने आई को 2 कर दिया, ये 50 और 1 था तो आंसर क्या आ रहा था, 50, अब आई आपने 2 कर दिया तो 50 आंसर के लिए ओमेगा क्या होगा, 25 होगा, जब आई को बढ़ाओगे तो ओमेगा कम होगा, सही है, उल्टा क्या होगा, जब आई को कम करोगे तो ओमेगा बढ़ेगा। फॉर्मूला ये बता रहा है, ये प्रैक्टिकली होता भी है, कोई चीज़ है जिस पे आप खड़े हैं, आप खुद तो नहीं, कोई चीज़ घूम रही है, आप भी उसके साथ घूम रहे हैं, अगर आप अपने हाथ फैला देंगे तो आपकी मोशन स्लो हो जाएगी, आप अपने हाथ मिला देंगे तो आपकी मोशन तेज़ हो जाएगी। ठीक है, सीइंग इज बिलीविंग ना, तो ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देख लेंगे वीडियो। ठीक है, अभी ये उतार लें और मेरी बात पे यकीन कर लें कि सर झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं।